हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर फाइल की दुनिया में स्वागत है आप सबका। ये देखिए दोस्तों, कहाँ आ गई हूँ मैं, पहाड़ों की वादियों में। और इतना अच्छा आप लोग वीडियो में बने रहिए और आगे का सीन देखिए, ऐसी सीन आप लोग आज तक कभी देखे नहीं होंगे, देखिएगा ज़रूर। मैं तो जीवन में पहली बार देख रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी बोल रही हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। लेकिन देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। बात हो जाती है वाओ, पहाड़ तो एकदम नजदीक है, नजदीक है ना, एकदम पास में है। इतने नजदीक से कभी पहाड़ देखी नहीं है। और ये सीताफल का पेड़ है ना, लगा भी है। ये देखिए दोस्तों, ये सीताफल का पेड़ है, यहाँ पे फल लगा भी है। अपने खेत बड़ा बड़ा फल लगा दिए। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे भी बना है सा। अच्छा, नीचे जा रहे हैं हम ना, नदी है ना, नदी बनी है। ऐसा दृश्य हमने पहली बार देखा है इतने पास से, दूर से तो कई बार देखी हूँ। ओह माय गॉड, ये नदी है। बड़ी वाली नदी है ना दीदी, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पहाड़ और उसके जस्ट नीचे नदी। वाओ, बहुत अच्छा लगा देख के, मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गई हूँ मैं। ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलती है जल्दी। ये है एमपी, ये है पुल, ये दीदी के साथ हम आए हैं घूमने। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये झरने का पानी पहाड़ से गिर रहा था, सीधे पहाड़ से ये पानी आ रहा था और इतना साफ था पानी। हम लोग सुबह सुबह उठ के जस्ट चले गए थे तो मुंह नहीं धुली थी मैं, उस पानी में मुंह धुल ली, बहुत ही साफ पानी था, बिल्कुल भी मतलब गंदा नहीं था, अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैं इस पानी से मुंह धो ली, क्योंकि यहाँ पे ये लोग नहाते हैं, ये नदी में ये लोग नहाते हैं, तो मुंह धुलने में क्या है। और एकदम साफ पानी था, अगल बगल भी कचरा नहीं था। और यहाँ देखिए, धुल के मुंह मैं, इनका खेत है, वो खेत में ले जा रही थी हमको घुमाने के लिए, तो मैं पहाड़ पे चढ़ने जा रही थी, उधर से भी एक रास्ता था, तो वो बोली नहीं इधर से चलो, इधर से मैं जाऊंगी, हम लोग जाएंगे। और इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों ना, क्या मैं बताऊं आप लोगों से, सही में ऐसा मैं जीवन में पहली बार देखी हूँ। कहाँ गाँव की लड़की ये सब देखूँगी, जब से शादी हुई है, हस्बैंड जी मिले हैं, तब से बहुत कुछ देखने को मिला है। शादी के पहले तो घर पे ही रहते थे हम लोग, कहीं नहीं जाते थे। जब से शादी हुई है, मेरे पति देव इतने अच्छे हैं कि वो मुझे हर जगह घुमा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, नदी में भौरी बोलते हैं ना इसको, वही है ये भौरा, ऐसे ही पानी कैसे पानी में हो रहा है, कुछ भी मतलब रहता कोई जानवर इंसान ऐसे ही पानी में डूबते, तो ये नदी में ये भौरी हो रही थी। हम लोग देखे इसको, हम लोगों को देख के और भी ज्यादा बड़ा जैसे लग रहा था हो रहा है। और यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ गई हूँ मैं दोस्तों, हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे, थोड़ा ऊंचा चढ़ना था ना, तो इसलिए वीडियो नहीं ले पाए, पहाड़ पे चढ़ने के बाद वीडियो ली हूँ। और ये पहाड़ के रास्तों से देखिए हम लोग जा रहे हैं, लग नहीं रहा पहाड़ है, लेकिन हम लोग बहुत ऊँचे मतलब ऊँचे जगह पे चढ़ गए हैं हम लोग। वहाँ पे भी इतना सारा ये पेड़ है, घास है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग चढ़े थे। और ये सब देखिए कितना हरियाली है पहाड़ पे, कितना सुंदर लग रहा था, एकदम शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण यहाँ पे मिल रहा था, शुद्ध ऑक्सीजन। तो देखिए आगे जा रहे हैं, ये देखिए पहाड़ के नीचे वाला एरिया वो था, गांव दिख रहा था,
और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये दीदी को तो चप्पा चप्पा मालूम है पूरा एकदम, ये जानती हैं पूरे पहाड़ के बारे में। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था, वही हम लोग देख रहे थे। जा रहा था झरना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है झरना है। देखिए पहाड़ से ऐसे नीचे गिर के वो नदी में चला गया है पानी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में और देखिए अब आ गई है उतरने की बारी। तो पहाड़ पर से नीचे उतरूंगी मैं, ये देखिए नीचे उतर रही हूँ। डर लग रहा था दोस्तों ताकि गिर, इसलिए डर लग रहा कि गिर ना जाऊँ मैं, लेकिन संभल संभल के मतलब मैं चढ़ भी गई और उतर भी गई। देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग चढ़े हैं, नदी वहाँ नीचे दिखाई दे रही है। पहले तो उस पार थे, उसके बाद इस पार पहाड़ पे चढ़ गए हम लोग, अब नीचे उतरेंगे। ये आदिवासियों का गांव है, इतना खूबसूरत गांव है, इतना खूबसूरत जगह है ये ना, कि यहाँ पर तो दिल कर रहा था कि बस जाऊँ यहाँ से, जाऊँ नहीं। और ये लोग इतना इज्जत सम्मान दिए मुझे, इतना ज़्यादा इज्जत सम्मान मिला, जो भी कुछ मिला मुझे यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड जी की वजह से मिला, क्योंकि वो मैनेजर हैं तो ये लोग वहाँ पे काम करते हैं, इसलिए बहुत इज्जत करते हैं उनकी और मेरी भी।